हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। गोरा और सुंदर बच्चा हर किसी को बहुत ही पसंद होता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा बहुत ही गोरा हो और सुंदर हो। लेकिन जब बच्चा होता है तो अपना बच्चा जब इंसान पहली बार देखता है तो उसको उससे सुंदर कभी कोई लगता ही नहीं है। लेकिन बच्चे का डार्क कॉम्प्लेक्शन, कुछ बच्चे जन्म के समय पर गोरे होते हैं और समय आप देखते हैं कि 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के होने तक उनका कलर कुछ डल हो जाता है। कुछ बच्चे जन्म के समय पर सांवले होते हैं और थोड़े दिन बाद जैसे जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं उनका कलर गोरा होता चला जाता है। रंग का काला होना या गोरा होना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। रंग की वजह से कभी किसी की और किसी बच्चे की किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। रंग एक स्वाभाविक है जो गॉड गिफ्ट हो सकता है और रंग का सांवला और गोरा होना आपके जेनेटिक भी हो सकता है। बच्चे के अगर माँ बाप सांवले हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी सांवला ही हो, लेकिन सांवला रंग अच्छा होता है और सांवला रंग बुरा नहीं होता है। फिर भी माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा गोरा हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर फेयर हो जाए। तो बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, 3, 4, 5 महीने का होता है, तो आप बच्चे को 2 से 3 घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे का कलर जो है वो बहुत ही साफ हो जाएगा। कुछ बच्चों का कलर धीरे धीरे डार्क होता चला जाता है, उसके कुछ रीजन हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा तेज धूप में, जब छोटे बच्चों को आप तेज धूप में लेकर निकलते हैं तो बच्चे की स्किन डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से बच्चा सांवला हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ बच्चों का कलर चेंज हो जाता है अपने आप ही, तो आप उसके कारण भी बच्चा थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है। तो आप घर में कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे का कलर साफ हो जाए। और अगर बच्चा सांवला ही है, उसका कलर पूरी बॉडी का सेम है और उसका कलर सांवला है, तो भी आप इन उपाय को कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे का कलर थोड़ा सा साफ हो जाए और उसकी स्किन पर एक अच्छी सी चमक आ जाए। तो इन घरेलू उपाय को करने के लिए आपको केवल घर में यूज होने वाली 2 से 3 चीजों की ही जरूरत होगी। इन चीजों के इस्तेमाल से आपके बच्चे की स्किन पर होने वाली सारी प्रॉब्लम तो ठीक होंगी ही, साथ ही साथ उसके स्किन का कलर भी बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करना है आपको और फिर देखना है कि आपके बच्चे की स्किन कितनी गोरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, माताओं, इन रेमेडीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बच्चे की स्किन पर अगर आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही रिजल्ट मिल जाएगा। इनको इस्तेमाल आप करते रहें और इसको आप अपने एक रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप इसको एक रूटीन से बच्चे की स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की स्किन में धीरे धीरे फर्क हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा उपाय है बेसन। जी हाँ, बेसन में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी मिलाएं, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है और बच्चे की स्किन पर हल्दी को भी हमें कम मात्रा में यूज करना है। बेसन, हल्दी और 1 चम्मच मलाई, और इसके साथ ही आपको इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब भी आप बच्चे को नहलाने लेकर जाएं, उससे पहले बच्चे की स्किन पर अच्छे से इसका मसाज कर दें 5 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से। बच्चे की स्किन को कभी भी तेज हाथों से ना रगड़ें, इससे बच्चे की स्किन पर प्रॉब्लम हो सकती है। पहले बेसन को बच्चे की स्किन पर अप्लाई करने से पहले देख लें कि बच्चे को बेसन सूट करता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़े से पोर्शन पे बच्चे के हैंड पर, मान लिया आपने यहाँ पर लगाया और उसको सूखने दें, फिर आप चेक करें कि कहीं बच्चे को इससे दाने वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चे की स्किन बहुत अधिक सेंसिटिव है तो उसको बेसन लगाने से दाने हो सकते हैं। तो बच्चे की स्किन पर पहले चेक करें, क्योंकि बेसन बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। मेरे भी बेटे को बेसन सूट नहीं करता है। जब भी मैं उसको बेसन लगाती हूँ तो उसको छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको गर्मी हो जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी बेसन अप्लाई नहीं करती हूँ। तो जिन बच्चों को बेसन नहीं सूट करता है, उनको आप कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर कॉटन वॉल से बच्चे की स्किन पर लगाएं और अच्छे से उसको 5 से 10 मिनट सूख जाने दें। अगर बच्चे की स्किन पर बेसन सूट करता है तो आप बेसन लगाइए चेहरे से लेकर पूरी बॉडी पर। इससे बच्चे की स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी और इसको आप एक रूटीन की तरह करें। बच्चे को डेली नहलाने से पहले आप इसको अप्लाई करें। और अगर बच्चे की स्किन पर बेसन सूट नहीं करता है तो इसी तरीके से आप कच्चा दूध और हल्दी अप्लाई करें और उसको सूख जाने दें। उसके बाद बच्चे को ताजे पानी से नहला दें, और अगर ठंड का मौसम है तो गुनगुने पानी से आप बच्चे को नहला दें। इससे बच्चे की स्किन का कलर बहुत साफ हो जाएगा।
दूसरी चीज है जो बच्चे की स्किन पर आपको अप्लाई करनी है, नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल। इस पैक को हम लोग भी सर्दी में यूज करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। बेसिकली तो ये हम लोग तो सर्दी में यूज करते हैं क्योंकि स्किन, चीक की स्किन होती है, ये सब हाथ वगैरह फट जाते हैं, तो इसका हम लोग सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे की स्किन को गोरा करने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, नींबू की मात्रा का। नींबू बच्चे की स्किन के लिए आप बहुत ही थोड़ा अप्लाई करें। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड ही लें, इसके लिए आप गुलाब जल और ग्लिसरीन लें और उसमें आधा नींबू मिला लें। आपको लेना है 4 चम्मच गुलाब जल, उसमें आप ऐड करें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 ही चम्मच आप उसमें ऐड करें नींबू का रस और उसको अच्छे से मिक्स करके रख लें। गर्मी के मौसम में आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं और जब भी आपको बच्चे को इसको लगाना हो तो आप फ्रीज से आधे घंटा पहले निकालिए और रात को सोने से पहले बच्चे की स्किन पर इसको अच्छे से लगा दीजिए और फिर बच्चे को सो जाने दीजिए। सुबह जब बच्चा उठता है तो उसको अच्छे सादे पानी से नहला दीजिए और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से नहला दीजिए। इन दोनों उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की स्किन का जो कलर है दोस्तों बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही साफ हो जाता है। सांवले से सांवला बच्चे का भी कलर इससे थोड़ा सा लाइट पड़ जाता है और जिन बच्चों का कलर किसी कारण से काला हो गया है, किसी वजह से वो सांवले हो रहे हैं, तो उनका कलर इससे बहुत ही साफ हो जाता है। और ये दोस्तों बहुत ही कारगर है और इसके अंदर जो हमने चीजें यूज की हैं वो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें ही यूज की हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसके ऊपर किसी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम बच्चों को नहलाते हैं तो उनको हम साबुन लगा देते हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल इन्हीं रेमेडीज का हमको इस्तेमाल करना है, इन्हीं का हमें बच्चे की स्किन पर अप्लाई करना है। तीसरी चीज है दोस्तों मालिश। बच्चे की स्किन मालिश से भी बहुत ही साफ हो जाती है। बच्चे की स्किन पर गर्मी के मौसम में आप नारियल के तेल से मालिश करें और सर्दी के मौसम में आप किसी भी गर्म ऑयल से मसाज कर सकते हैं। नारियल का तेल तासीर में ठंडा होता है जो बच्चे की स्किन पर सूट करता है और बच्चे की स्किन को अच्छी चमक देता है और जो बच्चे की स्किन रूखी हो जाती है उसको न्यूट्रिशन भी देता है। इसके अलावा चौथी चीज है हमारी, जब भी आप बच्चे को नहलाती हैं, अगर आपने कच्चा दूध लगाया है और ये नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल लगाया है और उसके बाद जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे की स्किन पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, इससे बच्चे की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहेगी। मॉइस्चराइजर गर्मी के मौसम में बहुत अधिक चिकना नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से आप बच्चे की स्किन पर कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, इससे आपके बच्चे की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, उस पर कोई भी दाने नहीं होंगे और बच्चे की स्किन में चमक भी बनी रहेगी। दोस्तों इन रेमेडीज का इस्तेमाल करने से बच्चे की स्किन पर होने वाली छोटी छोटी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि गुलाब जल, ग्लिसरीन, बेसन और आपका नींबू सभी स्किन को हील करने के काम आता है। अगर बच्चे की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी और इसके इस्तेमाल से आपके बच्चे का कलर भी काफी फेयर हो जाएगा और इसमें जो हमने चीजें यूज की हैं वो आपके घर पर बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। और आपको यूज करना है कच्चे दूध का, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कच्चा दूध चाहे आपका सुबह आता है मॉर्निंग में और आपको लगाना शाम को है, अगर बच्चा शाम को नहा रहा है उससे आधे घंटे पहले भी आप लगा सकते हैं, तो उसको फ्रीज में रख दीजिए फिर उसको निकाल कर बच्चे की स्किन पर लगा दीजिए। बहुत ही यूजफुल रेमेडी है दोस्तों, इस्तेमाल करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके इस्तेमाल से क्या फर्क लगा अपने बच्चे की स्किन पर। लेकिन इसको एक रूटीन की तरह यूज कीजिए क्योंकि इसमें 1 या 2 दिन में आपको बच्चे की स्किन पर फर्क नहीं दिखेगा, इसको आपको एक रूटीन की तरह ही यूज करना है। बच्चा जब तक 2-3 साल का हो जाए आप उसको खूब अच्छे से अप्लाई कीजिए और अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप उसकी स्किन पर दही और बेसन और हल्दी को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही यूजफुल है। ये बच्चे की स्किन को गोरा करने के बहुत ही काम आता है, बच्चे की स्किन इससे बहुत ही ब्राइट हो जाती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, बच्चे की स्किन को गोरा करने के लिए क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। गोरा बच्चा सभी का पसंद होता है, सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही क्यूट सा हो, तो आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्थ। नमस्कार।